लेना पड़ा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपका विमान था लेकिन आप जो है सेना को ही समर्थन कर देते। मतलब हर चीज आपने एक बात और कहा, जैसा कि मुमरा के जो नगर सेवक है बोल नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आज फिर हमारे साथ एक नए मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दरअसल आने वाले विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि 7 उम्मीदवारों ने MIM से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में MIM में घमासान मचा हुआ है एक दूसरे को लेकर। और मुमरा की सियासत की बात करें तो सियासत चरम पर है। और हम सीधा बात करेंगे महेंद्र कुमार लेकर से, जो राजनीति में काफी मजे हुए हैं और खिलाड़ी हैं, इनको भी हर कोई जानता है पहचानता है। महेंद्र भाई, आप मुमरा को काफी नजदीक से देखा है और राजनीति की अगर हम बात करें तो आप काफी मजे हुए नेता हैं और आपने MIM से टिकट की दावेदारी की है, तो क्यों की है? देखिए, टिकट मांगना या लड़ना है हर एक का हक होता है। देना पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना किसको नहीं। मैं कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जब डिसाइड करेंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं MIM से टिकट मांगू। मुमरा के लिए आप क्या सोचते हैं, पर्सनली मुमरा के लिए आप क्या सोचते हैं? देखो, मुमरा ऐसा है कि मुमरा जो शहर है वो महापालिका में 86 में समाविष्ट हुआ, तब से हम लोग मुमरा का डेवलपमेंट देखते आ रहे हैं। आज देखो मुमरा में पोस्टर वाइज डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। एक्चुअल में डेवलपमेंट मुमरा में क्या हुआ है पब्लिक जानती नहीं। 2009 के पहले मुमरा में पानी नहीं था क्या, लाइट नहीं थे क्या, रास्ते नहीं थे क्या, जो अचानक मुमरा में इतना डेवलपमेंट हुआ? एक नगर सेवक का मतलब ही नगर का नाले गटर रास्ते का काम करने वाला सेवक। जो वैसे आमदार का काम क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, लोगों को नई नई सुविधा उपलब्ध करके देना, रोजगारी देना। कितने लोगों को आज यहाँ पे नौकरी मिली या कोई रोजगार मिला या कोई काम धंधा मिला, क्या मिला है? मुमरा में नशा का व्यवहार, नशा जो है क्यों बढ़ रहा है? लोग अगर बेकार रहेंगे तो नशे की तरफ जाएंगे। नशा रोकने की क्या कोशिश हो रही है 2009 के बाद? अचानक से मुमरा में जो बाढ़ आई नशे की, वो क्यों आई, किस वजह से आई? मेरे को एक बात बताओ, मुमरा का विकास करने के लिए जो जगह उपलब्ध थी कारपोरेशन ने जब DP सैंक्शन किया और DP सैंक्शन करने के बाद जो रिजर्वेशन प्लॉट थे वो आज कितने बचे हैं मुमरा में? लगभग दो तीन साल तक पहले मुमरा पेट्रोपंप के पीछे जो गार्डन का रिजर्वेशन था वो भी आज नहीं है। मुमरा जो हनुमान मंदिर के पीछे रिक्शा का रिजर्वेशन था वो कहाँ गया? वहाँ पे बिल्डिंग बन रही, उसका क्या हुआ? मुमरा जो आज शिवसेना शाखा है उसके बाजू में TMC की जगह है, सर्वे नंबर है TMC के नाम पे, वहाँ पे क्या बना रहे? कुछ नहीं। मतलब एक आमदार के खासदार का काम रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाए, फैक्ट्रीज आ जाए। तो आपके हिसाब से क्या नहीं आया है मुमरा में? क्या आया है मुझे आप बताओ, मुमरा में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आया है? जो DP प्लान में सैंक्शन है वो सब डेवलपमेंट तो होने ही है, बाकी उसके अलावा नया क्या आया है मुमरा में? नया कौन सी चीज आई है, कौन सी फैक्ट्रीज आई है जिससे कि हमारे यहाँ के 1,000 या 2,000 या 3,000 लोग काम धंधे पे लग सके? लोग तो कह रहे हैं आवाज साहब ने बहुत विकास किया है। अबे 2009 के पहले यहाँ पे नगर सब लोगों का नाम चलता था, जैसे कि राजन किने हो, यासीन कुरेशी हो, यासीन सुरमे हो। आपका कहना है मतलब कि मुमरा शहर में विकास नहीं हुआ है, इसको लेकर आप आगे आ रहे हो, उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हो? मुमरा शहर में विकास मतलब मुझे बताओ कि पहले मुमरा में जो नहीं था क्या, जो आज अचानक आ गया? आप बोल रहे विकास नहीं हुआ, 1986 में जब कारपोरेशन में मुमरा कौसा शील डाइगर और दीवा आने के बाद विकास हुआ नहीं क्या मुमरा में? पानी नहीं आया क्या? 4 इंची लाइन से 27 इंची लाइन 2005 में आई, बाईपास 2008 में बना, जब गणेश टैंगनी की तरफ ने कटआउट नहीं लगाया कि बाईपास मैंने बनाया करके, आमदार वो थे, मंत्री थे, पालक मंत्री थे। मुमरा में पानी की टाके 1997 में मैं नईम खान साहब, राजन किने साहब, सुभाष भोई साहब, वो पानी की टाके के उद्घाटन की 4 टाके पानी की बनी 2008 में, वो हम लोग को पानी उसका मिलने लगा, जबकि 2 जैन मंदिर में और 2 भारतीय घर में बनी। देखिए 10 सालों से विधायक जितेंद्र अवार्ड जो है आमदार रहे हैं, अभी फिर उम्मीदवारी के लिए वो खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने आपको खड़े होना, आप अपने आप को कितना सक्षम मानते हो? देखो हर इंसान अपने अपने तरह से सक्षम होता ही है, अगर वो चाहता है तो वो लड़ना तो लड़ेगा ही, देना नहीं देना पार्टी जब डिसाइड करेगी तो हम उसका फैसला लेंगे कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो
अगर जितेंद्र आवड़ साहब अगर आते हैं या तो कोई मुख्यमंत्री भी आएगा तो उसके सामने कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे ना। मैं तो भाई आप जो है अकेले टिकट की दावेदारी नहीं कर रहे हैं एमआईएम से, सात लोग हैं। देखो अपने आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोगों को सबको अधिकार है। मैंने पहले ही बोल दिया हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो डिसीजन लेंगे वो हम सबको मानकर चलना पड़ेगा। उसकी उसके मुताबिक कोई भी दावेदारी कर सकता है, सात हो या आठ हो या दस हो। मैं तो भाई आप हमेशा विमान लेकर चुनाव में खड़े होते थे, अब जो है एमआईएम का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? देखो 1997 में मैं पहली बार लड़ा, शिवसेना का सिंबल लेके लड़ा और लोगों ने मुझे जिताया। उसके बाद हमारे लोग जो मैं जिनके साथ बचपन से बड़ा हुआ मुस्लिम समाज में, वो लोग बोले कि महीन भाई आप अपक्ष में लड़ो, मैं अपक्ष में आया। फिर लोग बोले कि महीन भाई कांग्रेस से लड़ो, मैं कांग्रेस में आया। फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ी कि नहीं आप एमआईएम से ही लड़ो, आप जीतोगे। मैं एमआईएम से लड़ा और आज एमआईएम में जुड़ा हुआ हूँ, अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूँ। महीन भाई आप हमेशा शिवसेना को समर्थन किया था, तो शिवसेना भी कहीं ना कहीं आपको जो है कोई ना कोई जो है कमेटी में बैठा देती थी आपको जो है, इसमें क्या सच्चाई है? देखो आप जिसके साथ रहोगे, जिसकी सत्ता रहेगी, वो आपको उसी तरह उसी मुकाम पे पहुंचा देगी। तो उसी तरह जब मैं शिवसेना में था तो शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ था, और जिसकी सत्ता रही है मुझे अपने मुमरा का विकास करने के लिए जिसके साथ जाना पड़ेगा उसके साथ गया था। लेकिन अब मैं एमआईएम के साथ जुड़ा हूँ हमारे मुस्लिम लोगों के काम करने के लिए, मुस्लिम पार्टी में हूँ और मुस्लिम पार्टी में ही रहूंगा। हाल ही में देखा गया था एमआईएम की टीम के साथ आप भी जो है दावत देने एजाज खान को गए थे मुमरा से चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या जो है मुमरा में कोई सक्षम नेता नहीं है? नहीं, चुनाव लड़ने को कोई चुनाव लड़ने की दावत एजाज खान को नहीं दी। एजाज खान को सिर्फ यही बोला कि आप एक माहौल तैयार करने के लिए एमआईएम के जो इलेक्शन आ रहा है तो एमआईएम का सपोर्ट करने के लिए आप मुमरा में आओ। मुमरा से मतलब माहौल बनाने के लिए एजाज खान को बुलाया गया था। पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि मुमरा में एमआईएम के काफी अच्छे सपोर्टर है, बाहर के भी हमारे ऐसे फिल्म स्टार लोग एमआईएम के सपोर्टर है और वो मुमरा में आ सकते हैं। इसलिए हमने एजाज खान को दावत दी कि आप मुमरा में आके मुमरा के लोगों को बताओ कि मैं भी उन्होंने तो अपना ही दावा करा कि अगर एमआईएम ने मुझे टिकट दी तो मैं खुद चुनाव में लड़ूंगा। अभी आपने बुलाया और वो यहाँ पर आकर खुद कह दिए कि हमको अगर एमआईएम ने टिकट दी तो हम खुद जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो टिकट देना नहीं देना हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डिसाइड करेंगे ना, एजाज खान तो नहीं डिसाइड करेंगे, बोलने के लिए सब बोलेंगे। चलिए मान लिया अगर टिकट आपको नहीं मिली एमआईएम से तो आप क्या बैठ जाएंगे या और भी आपके कदम आगे जाएंगे? मेरे कदम हमारे उम्मीदवार के साथ रहेंगे, जो भी हमारा कैंडिडेट रहेगा उसके साथ और उसके आगे चलकर ही रहेंगे। 2009 से पहले जो है मुमरा के अंदर आप नगर सेवक थे, उसमें उस दौरान आपने क्या ऐसा मतलब प्रोजेक्ट लाया था, क्या नए नए विकास के कार्य किए? देखो सत्ताईस जिनकी पानी के आज भी गीते साहब वहाँ पर है, आज भी रिटायर नहीं हुए, उनको जाकर पूछो कि उसमें मेन रोल किसका था जो एमआईडीसी से मुमरा तक आई 27 इंच 2005 में जो लाइन आई है जिससे मुमरा को सफिशियंट पानी मिलना चाहिए वो उपलब्ध हुआ। मैंने हर पहाड़ पे मतलब सैनिक नगर से जाके संजय नगर तक पहाड़ तक पानी पहुंचा है, जो पहाड़ तक पानी पहुंचाना नगर सेवक मैं था। सैनिक नगर तक रोड बनाने वाला कलमा स्वाने का रोड वाइंडिंग करने वाला नगर सेवक मैं हूँ, शंकर मंदिर से शिवाजी नगर रोड वाइंडिंग करने वाला मैं हूँ, जबकि वो रोड डीपी में नहीं थे और मैंने वो लोगों की सेवा के लिए। सलीम खान ने कहा कि ये बाईपास जो रोड है वो हमने लाया है, हमारे अवार्ड साहब ने लाया है। 2008 में बाईपास बनकर चालू हुआ था, हमारे उनके जो अवार्ड साहब है 2009 में प्रचार के लिए बाईपास से आते थे। मान लीजिए आपको टिकट मिल गया एमआईएम से तो आप जो है आपका क्या अहम मुद्दा रहेगा मुमरा को लेकर? देखो मुमरा का अहम मुद्दा यही है कि मुमरा के लोगों को रोजगार मिले, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े पैमाने पर आने चाहिए वो आने चाहिए। महेंद्र भाई आप अंदर से शिवसैनिक हैं और हमेशा आप जो है सुभाष भोईर के साथ देखे जाते हैं, आप ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है एमआईएम जिंदाबाद कहकर मुस्लिम के वोट खींचना चाहते हैं? नहीं मुस्लिम के वोट खींचना नहीं खींचना, मैं बचपन से मुस्लिम लोगों में पला बड़ा हूँ, यहाँ से मुस्लिम वोट आज खींचेंगे आज शिवसेना जीत जाएगी? नहीं वो तो लोग देखो मेरे विरोधक तो कुछ भी कहेंगे कि मैं शिवसेना वाला हूँ, मैं हिंदू वाला हूँ, मैं आरएसएस वाला हूँ, ये वाला हूँ। एक भी मुस्लिम ऐसा बंदा मुमरा कौशल मिला है कि जिसको महेंद्र कुमुरले करने कुछ अपशब्द बोले हो या कुछ उल्टा बोला हो, क्योंकि इसलिए लोगों में चर्चा है क्योंकि आप पहले अपक्ष से लड़ते थे, विमान से लड़ते थे, आपका विमान था लेकिन आप जो है शिवसेना को ही समर्थन करते थे। लड़ा हूँ मैं कांग्रेस से भी, लड़ा हूँ 5 साल मैं कांग्रेस में था, अपक्ष रहने के बाद भी मैं 5 साल कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के सब नेता मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे को जो कमेटी मिली स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मैं बना 2006 में,
उस वक्त ये मुमरा में सुभाष भोईर भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथी था, उनके बल पे मैं चुनकर आया, सदस्य बना। सदस्य बनने के बाद मेजोरिटी में जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ पे मैं मेजोरिटी होती थी, और शिवसेना की महापौर था, अगर मैं अपोजिशन का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन तो काम पे रोक लग सकती थी, इसलिए मैंने शिवसेना के साथ तरीके चेयरमैन बना। चेयरमैन बनने के बाद भी मुमरा में ही ज़्यादा विकास किया। मुमरा के लोगों का ये तो ये है कि नगर सेवक उनका एक ही है, जितेंद्र आवाड़ साहब मुमरा के एक ही नगर सेवक है, और लोग उनको चुन कर देते, वो बाकी 18 को नहीं चुन कर देते। अगर जितेंद्र आवाड़ को हटा दो, जितेंद्र आवाड़ को क्यों चुनते, मुमरा की जनता फिर जितेंद्र आवाड़ को क्यों चुनती है? आप कह रहे हैं कि जो विकास नहीं किए, एक ही आसन तुम्हारे माइंड में, तुम सुबह उठ कर अगर सामने एक फोटो लगा कर और दिन भर वही देखोगे, तुम्हारे माइंड में वो पिक्चर बैठ जाती है, तुम्हारे माइंड में वही पिक्चर बैठ जाते हैं, तुम फिर उसके पीछे जाओगे ना। एक बात और कहा, जैसा कि मुमरा के जो नगर सेवक है वो बोल नहीं पाते, ऐसी बात नहीं। वो जो कब्रिस्तान का मुद्दा पूरे भारत में सबको मालूम पड़ रहा है, मुमरा का मुद्दा क्यों उनसे पार्टी की वजह से, एमआईएम ने जब आवाज उठाई तब मालूम पड़ा कि कब्रिस्तान का घपला हुआ है। मैंने ये काम किया, वो काम किया, मैंने ये लाया मुमरा में, मुमरा में स्टेडियम बनाया प्राइवेटाइजेशन हो गया, मुमरा में स्विमिंग पूल लाया प्राइवेटाइजेशन हो गया, मुमरा में कचरे का प्राइवेटेशन हो गया, मुमरा में म्यूनसिपालिटी लोग जो कचरा साफ करते थे पहले अच्छी तरह सफाई होती थी, वो आज प्राइवेटेशन हो गया, मतलब हर चीज प्राइवेट। ये थे महेंद्र कुरुमनिकर साहब जो है अपनी अंदाज में मुमरा वासियों को बता रहे थे कि विकास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिलहाल हमारी चर्चा लगातार ही इस तरह से चलती रहेगी, हर संडे को आपको देखने मिलेगा एक नए चेहरे, और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।